नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता बिहार न्यूज मीडिया। राष्ट्रीय न्याय महासभा मनाएगी जन नायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह। जन नायक को मिले भारत रत्न, अशोक कुमार ठाकुर का रिपोर्ट। कर्मचारी भवन बेगूसराय में जिला राष्ट्रीय न्याय महासभा के तत्वावधान में जिला अध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र कुमार पप्पू की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें 27 जनवरी को जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जन शताब्दी समारोह मनाने की तैयारी पर कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में मुख्य रूप से जन नायक को भारत रत्न देने की वकालत की गई। बैठक की शुरुआत बेगूसराय सैलून समिति के दिवंगत पदाधिकारी साईं भक्त रंजीत ठाकुर के निधन पर एक मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्ष रविंद्र कुमार पप्पू ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जन जन के नेता थे। उन्होंने जीवन भर गरीबों और पिछड़ों की भलाई के लिए काम किया। उसका जीवन चरित्र आम जनमानस के साथ ही नेताओं के लिए भी सदैव प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने देश में सबसे पहले पिछड़े दलित और गरीबों का आरक्षण का प्रावधान किया। पहली बार उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में आरक्षण लागू कर ऐतिहासिक और सहायक कार्य किया। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का सभी राजनीतिक दलों ने लोहा माना, लेकिन आज तक उन्हें देश रत्न की उपाधि नहीं मिली। उन्हें चाहने वाले प्रमुख दल के शीर्ष नेताओं के लिए प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। राज प्रतिनिधि मोथरा ठाकुर ने कहा कि महान व्यक्ति वाले जन नेता की जयंती पर सर्व समाज के लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। जिला सचिव प्रभु प्रताप ठाकुर ने कहा कि बिहार की जनगणना से यह स्पष्ट हो गया कि उनके स्वजातियों की आर्थिक स्थिति अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सबसे निम्न स्तर का है, जो कि बिहार के अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति से भी बेहतर है, जो इस समाज और राज्य सरकार के लिए चिंतनीय विषय होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से उनके जन शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अनुसूचित जाति का दर्जा देने की घोषणा की मांग की, ताकि समाज के मुख्य धारा से उनके स्वजाति को जोड़ा जा सके। जिला मार्गदर्शन मंडल के पदाधिकारी रामदास ठाकुर ने कहा कि वे राजनीतिक संत है। बिहार जैसे प्रदेश में पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए जीवन भर कार्य किया। यही वजह है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनका घर झोपड़ी का ही रह गया। नगर निगम सैलून समिति के अध्यक्ष राम कुमार ठाकुर ने कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न दिए जाने की मांग की। प्रदेश प्रतिनिधि उमानंद ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर फार्मूले पर आरक्षण लागू किया जाए। मौके पर कोषाध्यक्ष टुनटुन ठाकुर, उपाध्यक्ष बैजनाथ ठाकुर, राजेश ठाकुर, दिनेश ठाकुर, पप्पू कुमार के अलावा दर्जनों लोग मौजूद थे।